राइजेशन यूनिट का ये हमारा आखिरी वीडियो लेक्चर है और ये वीडियो लेक्चर काफी आसान होने वाला है आप लोगों के लिए क्योंकि इसमें ज्यादातर थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स हैं। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमें कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने हैं। तो इस वीडियो लेक्चर में हम सबसे पहले बात करेंगे ऑप्टिकल रोटेशन की। तो ये जो हमारा टॉपिक है, इस टॉपिक में हमें बेसिकली तीन डेफिनेशंस पढ़नी है। जो पहली डेफिनेशन है वो ऑप्टिकल रोटेशन खुद है, और जो दूसरी डेफिनेशन है वो है ऑप्टिकल एक्टिविटी, और तीसरी डेफिनेशन जो हमें पढ़नी है वो है ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस। तो ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस में हमारे पास दो टाइप के ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस होते हैं, एक डेक्स्ट्रो रोटेटरी सब्सटेंस और दूसरा लीवो रोटेटरी सब्सटेंस। तो इन दो टाइप के ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस के बारे में पढ़ने के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है स्पेसिफिक रोटेशन। इस टॉपिक में से बेसिकली हमारे कुछ न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो उन न्यूमेरिकल्स को हम वीडियो के एंड में डिस्कस करेंगे। और फाइनली जो हमारा लास्ट टॉपिक है वो है पोलैरिमीटर। तो अगर आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं तो आपने एक्सपेरिमेंटली लोरेंस हाफ शेड पोलैरिमीटर, ये हमारा एक्सपेरिमेंट आपने ये परफॉर्म किया होगा या फिर करने वाले होंगे। तो ये आप लैब में तो इसका प्रैक्टिकल करेंगे, लेकिन यहाँ पर हम इसकी थ्योरी समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए अब हम ऑप्टिकल रोटेशन स्टार्ट करते हैं। तो इस फिनोमिना को हम एक एग्जाम्पल के जरिए ज्यादा अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। सपोज कीजिए कि ये हमारी कोई अनपोलराइज्ड लाइट है। इस अनपोलराइज्ड लाइट को हम किसी पोलराइजर के थ्रू पास करेंगे तो ये हमें एक प्लेन पोलराइज्ड लाइट दे देगा। और इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को जब हम किसी एनालाइजर के थ्रू एनालाइज करेंगे, मतलब इस एनालाइजर को रोटेट करेंगे, तो हम जानते हैं कि इसकी इंटेंसिटी जीरो टू मैक्सिमम ऐसे वेरी करेगी, मतलब ब्राइट टू डार्क, फिर डार्क टू वापिस ब्राइट, इस तरीके से वेरी करेगी। अब हमने क्या किया कि इस एनालाइजर को उस पॉइंट पे ले जाके रोटेट करना बंद कर दिया जहां पर इसकी इंटेंसिटी कंप्लीटली डार्क हो गई थी। तो कंप्लीटली डार्क इंटेंसिटी पर हम लोगों ने इस एनालाइजर को रोटेट करना बंद कर दिया। उसके बाद हमने एक क्वार्ट्ज क्रिस्टल इस पोलराइजर और इस एनालाइजर के बीच में इंट्रोड्यूस करवा दिया। इंट्रोड्यूस करवाने के बाद जब हम इसे वापस ऑब्जर्व करेंगे तो यहां पर जो कंप्लीटली डार्क इंटेंसिटी थी वहां पर हम देखेंगे कि थोड़ी सी ब्राइटनेस आ गई है, मतलब अब हमें वहां पर थोड़ी इंटेंसिटी बढ़ गई है। तो ऐसा क्या हुआ कि इस क्वार्ट्ज क्रिस्टल ने यहाँ पे इंटेंसिटी बढ़ा दी? तो एक्चुअली में इस क्वार्ट्ज क्रिस्टल ने क्या किया कि ये जो हमारी प्लेन पोलराइज्ड लाइट थी इसे सर्टेन एंगल पे रोटेट कर दिया। सपोज कीजिए कि ये हमारी प्लेन पोलराइज्ड लाइट है। हम जानते हैं कि किसी भी प्लेन पोलराइज्ड लाइट में सभी इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एक प्लेन में रहते हैं। तो इस क्वार्ट्ज क्रिस्टल ने जैसे ही यहां से हमारी लाइट एंटर करना स्टार्ट की, यहां से इसने इस लाइट को रोटेट करना स्टार्ट किया, इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को, और जैसे ही यहां से निकली तो इसने कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ एंगल, सपोज कि 20 या फिर 30 डिग्रीज पर रोटेट कर दिया। तो ये जो हमारी लाइट यहां से ऐसे जा रही थी, ये इस क्वार्ट्ज क्रिस्टल से पास होने के बाद ऐसे जाने लग गई किसी एंगल पर रोटेट होने के बाद। और हम जानते हैं कि जो एनालाइजर है जीरो इंटेंसिटी यानी कंप्लीटली डार्क तब देता है जब इस लाइट के एंगल और ये जो हमारा इस एनालाइजर का जो प्रिंसिपल सेक्शन है इसके बीच में 90 डिग्रीज का एंगल हो। तो जब हमारा क्वार्ट्ज क्रिस्टल इसके बीच में नहीं था तो इसके और इसके बीच में 90 डिग्रीज का एंगल था, लेकिन इस क्वार्ट्ज क्रिस्टल को इंट्रोड्यूस करवाने के बाद ये जो हमारी लाइट है ये हल्की सी रोटेट हो गई, और रोटेट होने के कारण अब इस एनालाइजर के प्रिंसिपल सेक्शन और इस लाइट का जो प्लेन है इसके बीच में अब 90 डिग्रीज का एंगल नहीं रहा, इसीलिए अब यहां पे हमें कुछ फाइनाइट ब्राइटनेस दिखाई दे रही है। तो ये जो हमारा फिनोमिना है इस फिनोमिना को हम ऑप्टिकल रोटेशन बोलते हैं, और ये जो हमारा क्वार्ट्ज का क्रिस्टल है ये हमारा ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस है। और इसकी जो प्रॉपर्टी है, ये जो क्वार्ट्ज क्रिस्टल की जो रोटेट करने की प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं ऑप्टिकल प्रॉपर्टी या फिर ऑप्टिकल एक्टिविटी। तो ये इस क्वार्ट्ज क्रिस्टल की ऑप्टिकल एक्टिविटी है। तो यहां पर हम लोगों ने बेसिकली तीन डेफिनेशन डिस्कस करी, पहली डेफिनेशन ऑप्टिकल रोटेशन, दूसरी डेफिनेशन ऑप्टिकल एक्टिविटी, तीसरी डेफिनेशन ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस। तो ये जो हमारा फिनोमिना है इस पूरे फिनोमिना को हम ऑप्टिकल रोटेशन बोलते हैं, और ये जो एक्टिविटी है इस क्वार्ट्ज क्रिस्टल की एबिलिटी की वो लाइट को रोटेट कर सके, इसे हम ऑप्टिकल एक्टिविटी बोलते हैं, और इस क्रिस्टल को हम ऑप्टिकली एक्टिव क्रिस्टल बोलते हैं। तो हमारे पास नेचर में बेसिकली दो टाइप के क्रिस्टल रहते हैं, एक है डेस्ट्रो रोटेटरी क्रिस्टल और एक है लीवो रोटेटरी क्रिस्टल। तो डेस्ट्रो रोटेटरी क्रिस्टल हमारे वो क्रिस्टल्स होते हैं जो इस लाइट को पॉजिटिव डायरेक्शन यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करे, और लीवो रोटेटरी क्रिस्टल हमारे वो क्रिस्टल होते हैं जो इस लाइट को एंटी क्लॉकवाइज यानी काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करे। तो यहां पे
हमें बेसिकली ये पांच डेफिनेशन अच्छे से समझनी है और याद करनी है, ये क्वेश्चन पेपर में आ जाती है। तो ये पांच डेफिनेशन आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। आप इन पांचों डेफिनेशन को स्क्रीन को पॉज करके और अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिए, काफी चांस है कि ये आपके एग्जामिनेशन में आ जाए इनमें से कोई एक डेफिनेशन। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अपना नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं, स्पेसिफिक रोटेशन देख लेते हैं। इट इज डिफाइंड एज द रोटेशन प्रोड्यूस बाई ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस बाई अ पाथ ऑफ 10 सेंटीमीटर्स एट अ कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ लैम्डा। तो इसका मतलब देख लेते हैं। तो इट इज रोटेशन प्रोड्यूस बाई ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस, यहाँ पर ऊपर हम लोगों ने क्वार्ट्ज का क्रिस्टल लिया था, तो यहाँ पे ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस हमारा क्वार्ट्ज क्रिस्टल है। तो ये क्वार्ट्ज का क्रिस्टल कितना रोटेशन प्रोड्यूस करेगा जब इसकी लेंथ 10 सेंटीमीटर हो, मतलब जो हमारी लाइट है वो 10 सेंटीमीटर लंबे क्वार्ट्ज क्रिस्टल से पास हो रही हो, तो वो कितना रोटेशन प्रोड्यूस करेगा एट अ कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, जब हमारा टेम्परेचर कॉन्स्टेंट हो, और एट अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ लैम्डा, मतलब जो हमारी लाइट है उसमें सिर्फ एक वेवलेंथ वाली लाइट होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हम लोग व्हाइट लाइट यूज कर रहे हैं जिसमें कई सारी वेवलेंथ प्रेजेंट रहती है, तो कोई भी एक पर्टिकुलर वेवलेंथ वाली लाइट, जैसे सोडियम लैंप यूज कर लिया तो उसमें सिर्फ एक वेवलेंथ वाली लाइट रहती है। अब इसका एक फॉर्मूला रहता है हमारे पास, एस इज इक्वल टू थीटा अपॉन में एल सी, यहाँ पे एस स्पेसिफिक रोटेशन होता है जो कि बराबर होता है थीटा, उस इस क्वार्ट्ज क्रिस्टल से पास होने पर कितना थीटा, मतलब कितना एंगल उसने रोटेट किया, रोटेशन प्रोड्यूस्ड डिवाइडेड बाय में एल। एल होती है हमारी लेंथ ऑफ सॉल्यूशन, यहाँ पे सॉल्यूशन या फिर क्रिस्टल, तो यहाँ पे क्रिस्टल था तो इसलिए क्रिस्टल की बात करेंगे, लेकिन जनरली हम सॉल्यूशन जो लोरेंज हाफ शेड पोलारिमीटर है वहां पे इस फॉर्मूले का यूज करते हैं, तो यहाँ पे हम सॉल्यूशन ज्यादा कंसिडर करेंगे क्योंकि इसमें नीचे होती है कंसेंट्रेशन और कंसेंट्रेशन सॉल्यूशन की रहती है, तो यहाँ पे जो सी है वो कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन है, और लेंथ ऑफ सॉल्यूशन क्योंकि हम इसे एक ट्यूब में सॉल्यूशन को डाल देते हैं, वो ट्यूब जनरली 10 सेंटीमीटर की होती है, मतलब एक डेसीमीटर की होती है, तो बस हम थीटा की वैल्यू एक्सपेरिमेंटली निकालते हैं और एस कैलकुलेट कर लेते हैं। एल हम लोगों को 10 सेंटीमीटर पता है, यानी एक डेसीमीटर मल्टीप्लाई बाय में सी कंसेंट्रेशन हमें पता होती है। तो ये दो फॉर्मूले हैं, ये दूसरा फॉर्मूला तब लगाते हैं जब हमें एल सेंटीमीटर में गिवन हो, तो सिंपली वही बात है 10 से मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि 10 सेंटीमीटर एक डेसीमीटर के बराबर होता है, तो ये फॉर्मूला हम सेंटीमीटर में लगाएंगे जब हमें एल की वैल्यू सेंटीमीटर में गिवन हो, और ये फॉर्मूला हम तब लगाएंगे जब हमें एल की वैल्यू सीधा डेसीमीटर में गिवन हो। तो चलिए अब हम लोरेंज हाफ शेड पोलारीमीटर जो एक्सपेरिमेंट है वो डिस्कस कर लेते हैं। चलिए अब हम लोरेंज हाफ शेड पोलारीमीटर का एक्सपेरिमेंटल सेटअप देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा कोई भी लाइट सोर्स है एस, सपोज कीजिए सोडियम लैंप है क्योंकि हम जनरली सोडियम लैंप यूज करते हैं, तो इस लाइट सोर्स में से हमारी लाइट रेज निकलती है और इसे हम आगे कॉन्वेक्स लेंस के थ्रू पास करवाते हैं ताकि जो हमारी लाइट रेज है वो सभी पैरेलल हो जाए, और पैरेलल करने के लिए आप जानते हैं कि ये जो लाइट सोर्स है इसके इसके फोकस पे होना जरूरी है, तो ये जो सोर्स है ये कॉन्वेक्स लेंस के फोकस पे रखा जाता है ताकि सभी लाइट रेज आपस में पैरेलल हो जाए। उसके बाद इन लाइट रेज को हम निकोल प्रिज्म यानी कि पोलराइजर के थ्रू पास करते हैं, और ये पोलराइजर के थ्रू पास होने के बाद ये जो हमारी अनपोलराइज लाइट है ये इसे प्लेन पोलराइज कर देता है, तो ये हमारे प्लेन पोलराइज लाइट है, तो ये हमारी प्लेन पोलराइज लाइट है, तो निकोल प्रिज्म से पास होने के बाद हमें प्लेन पोलराइज लाइट मिल जाती है। उसके बाद हम इसे एक हाफ शेड डिवाइस से पास कराते हैं, ये जो हाफ शेड डिवाइस क्या होता है और इसकी वर्किंग क्या होती है ये हम बाद में एकदम डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन हाल फिलहाल हम एक्सपेरिमेंटल सेटअप देख लेते हैं। इसके आगे रखा जाता है हमारा सुगर सॉल्यूशन या फिर जो भी हमारा सॉल्यूशन है उसे जिसका हमें स्पेसिफिक रोटेशन फाइंड करना है, और उसके आगे रखा जाता है हमारा एक एनालाइजर यानी एक और निकोल प्रिज्म जो कि इस समय एनालाइजर की तरह एक्ट कर रहा है। इस एनालाइजर के ऊपर मतलब ये चारों तरफ एक रोटेटरी स्केल रखा होता है जो जिसपे 0 से 360 डिग्री तक मार्क रहता है जहां से हम पता लगाते हैं कि कितना रोटेशन हुआ है। तो इस एनालाइजर को हम रोटेट करते हैं इसकी इनिशियल पोजीशन पे और देखते हैं कि कितने डिग्री पे जाके हमारा ये रोटेशन मतलब इस शुगर सॉल्यूशन ने हमें कितना लाइट को रोटेट करके दिया, इसे हम उसी तरीके से पता लगाते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक यहाँ पे तो शुगर सॉल्यूशन रखा था लेकिन सबसे पहले हम लोग यहाँ पे वाटर सॉल्यूशन रखते हैं क्योंकि वाटर सॉल्यूशन लाइट को वो नहीं करता मतलब रोटेट नहीं करता, तो हम लोग वाटर सॉल्यूशन की रीडिंग निकाल लेंगे। सपोज कीजिए हमें आया कि वाटर सॉल्यूशन का 23 डिग्री पे इसने हमें कम्प्लीटली डार्क बिल्कुल कम्प्लीटली डार्क यहाँ पे ऑब्जर्व हो रहा है 23 डिग्रीज पे, तो अगर फिर जब हम इसे रिप्लेस कर देंगे शुगर सॉल्यूशन से और फिर से इसे रोटेट करने क्योंकि एक बार शुगर सॉल्यूशन से रिप्लेस कर दिया तो यहाँ पे हमें पता है फिर से लाइट थोड़ी लाइट दिखाई देगी क्योंकि वो रोटेशन प्रोड्यूस करेगा, तो
उसके बाद हम इस एनालाइजर को फिर से रोटेट करना स्टार्ट करेंगे और तब तक रोटेट करेंगे जब तक हमें वापस कम्प्लीटली डार्क इंटेंसिटी ना दिख जाए। तो सपोज कीजिए हमें 45 डिग्रीज पे कम्प्लीटली डार्क इंटेंसिटी फिर से दिखाई दे गई, तो जो हमारी थीटा की वैल्यू होगी वो हो जाएगी 45 डिग्रीज माइनस 23 डिग्रीज, तो ये हमारी 22 डिग्रीज की हमारा थीटा की वैल्यू आ गई। तो इस तरीके से हम लोग थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। पहले वाटर सॉल्यूशन रखते हैं, वहां पे देख लेते हैं कि कम्प्लीटली डार्क कहां पर हो रहा है, किस एंगल पे कम्प्लीटली डार्क इंटेंसिटी हो रही है, और उसके बाद इसे रिप्लेस कर देते हैं और यहाँ पे शुगर सॉल्यूशन रख देते हैं और शुगर सॉल्यूशन में देख लेते हैं कि किस एंगल पे कम्प्लीटली डार्क इंटेंसिटी हो रही है। तो उन दोनों की इंटेंसिटी को माइनस कर देंगे तो हमें थीटा की वैल्यू मिल जाती है कि उसने टोटल कितना रोटेशन प्रोड्यूस किया। तो ये तो था थोड़ा एक्सपेरिमेंटल सेटअप। अब बात करते हैं इस हाफ शेड डिवाइस की। तो चलिए अब हम हाफ शेड डिवाइस के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो हमारा हाफ शेड डिवाइस होता है वो बेसिकली एक सर्कुलर डिस्क होती है जिसका आधा पार्ट ग्लास से बना रहता है और आधा पार्ट क्वार्ट्ज जो हमारा क्रिस्टल होता है उससे काटकर मैन्युफैक्चर किया जाता है। और जब हम इसे क्वार्ट्ज वाले आधे पार्ट को मैन्युफैक्चर करते हैं तो कुछ इस तरीके से मैन्युफैक्चर करते हैं कि यहाँ पे लैम्डा बाई टू का पाथ डिफरेंस क्रिएट हो जाए या फिर पाई का फेज डिफरेंस क्रिएट हो जाए। तो इस तरीके से हम इस क्वार्ट्ज हाफ को मैन्युफैक्चर करते हैं। और एक और बात, जो हमारा ये जो क्वार्ट्ज हाफ होता है इसका जो ऑप्टिक एक्सिस होता है वो पैरेलल टू वाई वाई डैश, मतलब ये जो वर्टिकल लाइन है इसके पैरेलल रहता है, तो ऑप्टिक एक्सिस का ऐसे रहता है। तो ये तो था हमारा बेसिक कंस्ट्रक्शन ऑफ लोरेंट्ज हाफ शेड डिवाइस। तो ये तो हमारा हाफ शेड डिवाइस का वो था। अब हम बात करते हैं कि जब हमारी लाइट इसके ऊपर इंसिडेंट होती है, तो सपोज कीजिए कि जो हमारी लाइट इसके ऊपर इंसिडेंट हुई वो इस डायरेक्शन में इंसिडेंट हुई, इस वाई वाई डैश एक्सिस के साथ कुछ थीटा एंगल बनाते हुए, तो ये हमारी लाइट यहाँ पे इंसिडेंट हो गई। तो ये हमारा एक इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है। अब जैसे ही ये जो हमारे ये वाला पार्ट है जो ग्लास हाफ में है, ये तो एज इट इज ट्रांसमिट हो जाएगा पीछे की तरफ से, क्योंकि यहाँ पे कोई डबल रिफ्लेक्शन होगा नहीं, लेकिन क्वार्ट्ज हाफ में डबल रिफ्लेक्शन होगा। तो यहाँ पे जब डबल रिफ्लेक्शन होगा तो हमारी लाइट दो पार्ट्स में ब्रेक करेगी, एक ओ रे और एक ई रे। तो जो हमारी यहाँ पे जो रे बनती है वो होती है ई रे, और यहाँ पे जो हमारी रे बनती है वो बनती है ओ रे। तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट था, लेट द प्रिंसिपल प्लेन ऑफ द पोलराइजिंग निकोल बी ए बी। तो जिस जो पोलराइजिंग निकोल है उसने इसी डायरेक्शन में हमारा, उसका प्रिंसिपल सेक्शन भी इसी डायरेक्शन में होगा, इसीलिए जो हमारी पोलराइजिंग लाइट है वो इसी डायरेक्शन में प्लेन पोलराइज हुई है। तो ये हमारा डायरेक्शन है, सपोज कीजिए इसने कुछ थीटा एंगल बनाया, ई रे विल स्प्लिट अलोंग वाई, तो ई रे हमारी वाई वाई डैश एक्सिस के अलोंग है और जो हमारी ओ रे है वो एक्स एक्स डैश एक्सिस के अलोंग है। और तो और क्योंकि हम जानते हैं कि ये जो हमारा क्रिस्टल है ये एक पॉजिटिव क्रिस्टल है, तो ओ रे तेज ट्रेवल करेगी एज कम्पेयर टू ई रे, तो ओ रे प्लस पाई फेज में रहेगी एज कम्पेयर टू ई रे। तो मतलब ओ रे का जो फेज है वो ई रे से पाई ज्यादा रहेगा। तो मैं यहाँ पे एक नया डायग्राम बना देता हूँ, यहाँ पे मैंने डायग्राम बना दिया है। यहाँ पे जो ओ ए है ये हमारा वो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है जो क्वार्ट्ज हाफ पार्ट से जा रहा था, ये दो पार्ट्स में ब्रेक हुआ, एक ई रे और एक ओ रे में। और हम जानते हैं कि क्वार्ट्ज क्रिस्टल एक पॉजिटिव टाइप का क्रिस्टल है, तो इसने हमारा एक पाई का फेज डिफरेंस क्रिएट कर दिया, प्लस पाई का। तो मतलब ये वाला जो हमारा ओ, ये जो हमारी ओ रे है जो इनिशियली एंटर करते समय इस डायरेक्शन में थी, ये एग्जिट लेते समय पाई का फेज डिफरेंस क्रिएट करके यानी यहां पे इस डायरेक्शन में एग्जिट लेगी। एंटर किया तो यहां पे इस डायरेक्शन में था और जब एग्जिट कर जाएगी तो इस डायरेक्शन में था। तो हमारा ई रे का और ओ रे का जो रिजल्टेंट बना जब वो एग्जिट ले लेगी वो ये बना सी ओ। तो ये जो रिजल्टेंट बना तो यहां पे हमारा एक और थीटा एंगल बन जाएगा। तो यहां पे जो हमारा ओवरऑल जो क्वार्ट्ज क्रिस्टल काम करता है वो क्या करता है, जो हमारी इंसिडेंट लाइट है उसे टू थीटा एंगल शिफ्ट कर देता है दूसरी तरफ। तो इसने देखिए यहां पे हमारा ओवरऑल जो हमारी यहां पे लाइट, मेन जो लाइट थी वो यहां पे ऐसे इंसिडेंट हो रही थी, उसने इसे टू थीटा एंगल शिफ्ट कर दिया यहां पे इस डायरेक्शन में। तो ये हमारा लोरेंट्ज हाफ शेड डिवाइस काम करता है। यहां से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि ये जो हमारा ओसी जो एग्जिट लेते समय क्वार्ट्ज हाफ क्रिस्टल से बना, मैं इसे एक बार यहां पे बना देता हूं। तो ये सपोज कीजिए ये हमारा ओसी बना, तो मैं पूरा खींच देता हूं, तो ये सी ओ एन डी ये मैंने नाम दे दिया इसे। तो ये जो हमारा सी ओ डी ये वाला जो एक्सिस है और ये वाला जो हमारा एक्सिस है बी ओ ए, तो इन दो एक्सिस के अलोंग इस समय हमारे वाइब्रेशन है, और ये जो हमारा इस एक्सिस के अलोंग हमारा वाइब्रेशन है
जो कि हमारा इस ग्लास हाफ के कारण है, जो एज इट इज रहता है, क्योंकि ग्लास हाफ ने तो कोई चेंज नहीं किया था हमारा। और ये जो हमारा सी ओ डी है, ये वाला हमारा बनता है इस क्वार्ट्ज हाफ की वजह से। तो इस समय हमारे पास दो डायरेक्शंस में हमारा वाइब्रेशन है। तो इसका मतलब यहाँ पे हमारे तीन केस बनते हैं। जब हम इसके आगे जो हमारा एनालाइजर रखा होता है, आपको याद होगा वो जो डायग्राम में मैंने इसके बाद एक जो हमारा सॉल्यूशन होता है उसकी ट्यूब रखी थी और उसके बाद एक एनालाइजर रखा था। तो उस एनालाइजर का प्रिंसिपल सेक्शन जब ए बी के अलोंग रहता है, तो उस समय जो हमारा ये क्वार्ट्ज हाफ है ये थोड़ा कम ब्राइट रहता है, और जो हमारा ये ग्लास हाफ है ये ज्यादा ब्राइट रहता है। और वहीं जब हमारा प्रिंसिपल सेक्शन उस एनालाइजर का सी डी के अलोंग रहता है, तो हमारा ये जो ग्लास हाफ है ये कम थोड़ा ब्राइट रहता है, और जो ये हमारा क्वार्ट्ज हाफ है ये ज्यादा ब्राइट रहता है। और वहीं जब हमारा जो प्रिंसिपल सेक्शन एनालाइजर का वाई वाई डैश के अलोंग रहता है, मतलब एकदम पैरेलल रहता है, तो दोनों तरफ इक्वल इंटेंसिटी रहती है। तो ये तीन केस थे हमारे इस हाफ शेप डिवाइस के। अब हम स्पेसिफिक रोटेशन के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं। यहां पर क्वेश्चन में हमें गिवन है, द प्लेन ऑफ पोलराइजेशन ऑफ अ प्लेन पोलराइज्ड लाइट इज रोटेटेड थ्रू 6.5 डिग्रीज इन इफ पासिंग थ्रू अ लेंथ ऑफ 20 सेंटीमीटर ऑफ सुगर सॉल्यूशन ऑफ 5% कंसेंट्रेशन, कैलकुलेट द स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ द सुगर सॉल्यूशन। तो ये क्वेश्चन में हमें जो जो वैल्यूज गिवन है पहले वो लिख लेते हैं। तो क्वेश्चन में सबसे पहले हमें थीटा की वैल्यू दे रखी है 6.5 डिग्रीज, और लेंथ दे रखी है हमें 20 सेंटीमीटर, इसका मतलब 2 डेसीमीटर। तो हाँ, ये लेंथ पता चल गई। कंसेंट्रेशन हमें दे रखी है 5%। तो यहां पे हमें कंसेंट्रेशन 5% दे रखी है, तो यहां पे सिंपल S इज इक्वल टू थीटा, जो हमारा स्पेसिफिक रोटेशन होता है वो थीटा बाई एल सी होता है। तो यहां पे थीटा हमें दे रखा है 6.5, और L हमें 20 सेंटीमीटर यानी 2 डेसीमीटर। तो यहां डेसीमीटर वाला फॉर्मूला लगा रहा हूं मैं, मल्टीप्लाई बाई यहां पे 5% कंसेंट्रेशन दे रखी है, तो 5% का मतलब है 100/5। तो यहां से हम सिंपली एस की वैल्यू निकाल लेंगे, तो ये आ गया 10 और ये आ गया 65, जो हमारा डिग्रीज का स्पेसिफिक रोटेशन है। तो ये बड़ा ही आसान क्वेश्चन था। एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में हमें गिवन है, अ सर्टेन लेंथ ऑफ 5% सॉल्यूशन कॉजेस द ऑप्टिकल रोटेशन ऑफ 20 डिग्रीज, हाउ मच लेंथ ऑफ द 10% सॉल्यूशन ऑफ द सेम सब्सटेंस विल कॉज 35 डिग्री रोटेशन। तो यहां पे हमें एल लेंथ की वैल्यू गिवन नहीं है और हमें L2 की वैल्यू निकालनी है। तो यहां पे हमें दो केस गिवन है, सबसे पहले गिवन वैल्यूज लिख लेते हैं। तो यहां पे गिवन है हमें, तो सबसे पहले हमें C1 गिवन है 5%, उसके बाद थीटा गिवन है हमें, थीटा 1 मान लेता हूं इसे 20 डिग्रीज, और C2 गिवन है हमें 10%, और थीटा 2 गिवन है हमें 35 डिग्रीज। तो फॉर्मूला हमारा वही लगेगा, S इज इक्वल टू थीटा अपॉन में LC। तो बस दोनों केसेस में, तो यहाँ पे दोनों केसेस में जो हमारी S की वैल्यू है वो तो बराबर आएगी। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं थीटा 1 अपॉन में L1C1 मस्ट बी इक्वल टू थीटा 2 अपॉन में L2C2। यहाँ पे हमें L2 की वैल्यू निकालनी है, तो L2 की वैल्यू एब्सोल्यूट टर्म्स में तो आएगी नहीं क्योंकि हमें L1 की वैल्यू गिवन ही नहीं है, तो हमें L1 के टर्म्स में ही L2 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो जस्ट वैल्यूज पुट करते हैं, थीटा 1 दे रखा है हमें 20 अपॉन में L1 मल्टीप्लाई बाई C1 5%। तो यहाँ पे देखिए, ऊपर 100 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इधर भी जब हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देता हूँ 35 अपॉन में L2 इंटू में 10। तो यहाँ से जब L2 की वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगा 35 बाई में 100 और मल्टीप्लाई बाई में 5 बाई में 20। तो जब हम इसे सोल्व कर देंगे तो हमारी इंटू में L1, तो L2 की वैल्यू आ जाएगी 7 बाई में 8 टाइम्स ऑफ L1। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, इसी के साथ हमारी ये यूनिट भी खत्म होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम हमारी नई यूनिट स्टार्ट करेंगे, लेजर। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।